नहीं दिया था। जड़त्व का मतलब क्या होता है? जड़त्व का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु गति में है, ठीक है, तो वह गति में ही रहना पसंद करेगी, ठीक है, और यदि विराम में है तो वह विराम में ही रहना पसंद करेगी। कब तक? जब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, ठीक है। यानी अपने स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। और इस जड़त्व को किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। और यह न्यूटन के फर्स्ट रूल से के हिसाब से भी मैच करता है। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? देखिए, विराम जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा जड़त्व, ठीक है। तो किसी वस्तु में विराम की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है? विराम का जड़त्व, ठीक। और गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति, गति का जड़त्व। और यदि वस्तु अपनी गति की दिशा में, किसी वस्तु में अपनी गति की दिशा में बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? दिशा का जड़त्व कहा जाता है। सभी का उदाहरण हम लोग आगे देखने वाले हैं कि किस में गति का जड़त्व होगा, विराम का जड़त्व होगा या दिशा का जड़त्व होगा, आप इजीली समझ जाइएगा। स्थिर वाहनों के अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों? देखिए, अगर स्थिर वाहन है तो उसका जो पूरा बॉडी है, यानी पूरा बॉडी जो है वह विराम की अवस्था में है, ठीक है। अब जैसे ही गाड़ी चलना चालू करता है, ठीक है, जैसे ही गाड़ी चलना चालू करता है तो होता क्या है कि गाड़ी के चलने के वजह से गाड़ी के सतह से जो शरीर का पार्ट जुड़ा होता है वह ऑटोमेटिक मोशन में आ जाता है, लेकिन ऊपरी पार्ट जो होता है वह विराम की अवस्था में ही होता है। जिसके वजह से क्या होता है, गाड़ी के अचानक चलने से गाड़ी के साथ साथ शरीर का निचला पार्ट तो चलने लगता है लेकिन जो संपर्क वाला पार्ट नहीं है वो पीछे की ओर भाग जाता है। तो वही होता है, इसको बोला जाता है क्या? विराम का जड़त्व। देखिए, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले की जो स्थिति है उसी का जड़त्व होगा। यदि गाड़ी रुका हुआ था और एकाएक चलना प्रारंभ किया और आदमी झुक गया तो यह हो जाएगा क्या? विराम का जड़त्व। ओके, चलिए। वही कह रहा है, स्थिर वाहन के अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, किसके कारण? तो पहले की स्थिति क्या थी? गाड़ी रुकी हुई थी, तो रुकी हुई थी मतलब स्थिर थी, तो विराम का जड़त्व हो जाएगा। दरी पर डंडे के प्रहार से धूल झड़ जाती है, क्यों? तो देखिए, दरी है, ये तो रुका हुआ है। अब जैसे ही इस पर हम लोग प्रहार करेंगे किसी भी चीज़ से तो ये क्या होगा? मोशन में आएगा, और मोशन में आने के कारण क्या होगा? इसके कण तो स्थिर ही थे तो उपकण क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं, ठीक है। तो पहले की स्थिति क्या थी? पहले की स्थिति विराम थी, इसीलिए क्या हो जाएगा? विराम का जड़त्व हो जाएगा। अगर चलती हुई वाहन के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री अचानक आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? देखिए, गाड़ी क्या है? चल रही है। इसका मतलब है कि उसका पूरा बॉडी जो है, पूरा का पूरा बॉडी गति में है, पूरा का पूरा बॉडी क्या? गति में। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है तो गाड़ी के संपर्क में जो उस व्यक्ति का पार्ट होता है शरीर का, वह गाड़ी के साथ साथ विराम की स्थिति में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो होता है वह मोशन की स्थिति में ही होता है। जिसके कारण क्या होता है कि नीचे वाला शरीर का नीचे वाला पार्ट तो रुक जाता है गाड़ी के साथ साथ, लेकिन ऊपर वाला पार्ट उस अनुपात में नहीं रुक पाता और ऊपर वाला पार्ट मोशन में ही रहता है, जिसके कारण क्या होता है? व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पर पहले की स्थिति क्या है? पहले की स्थिति है कि पहले गाड़ी गति में थी तो ब्रेक लगने के बाद रुकी है, तो पहले गति में थी, यानी गति का जड़त्व वहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो चलती हुई वाहन के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री अचानक आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि उसमें गति का जड़त्व पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इस तरीके से, ठीक है। वहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन आता है कि किस प्रकार का जड़त्व होगा, ठीक है। तो पहले की जो स्थिति होगी, जो स्थिति पहले की स्थिति होगी उसी का जड़त्व होगा। रुका हुआ था तो विराम जड़त्व, यदि गति में था पहले, है ना, तो वह हो जाएगा गति का जड़त्व। आगे है, चलती वाहन से कूदने पर यात्री मुंह के बल क्यों गिरता है? सिंपल सी बात है, गाड़ी चल रही है यानी कि गति का जड़त्व होगा उसमें, ठीक है। और चूंकि जब कूदता है व्यक्ति तो उसका शरीर तो किस अवस्था में? गति की अवस्था में, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के साथ उसका पैर आता है तो पैर हो गया विराम की स्थिति में और शरीर गति की स्थिति में, जिसके कारण क्या होता है? मुंह के बल गिर जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चलती वाहन के ऊपर सवार यात्री सिक्का उछालता है तो उसके हाथ में ही क्यों गिरता है? ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे भी पूछ लेगा कि चलती वाहन के ऊपर सवार यात्री यदि सिक्का उछालता है तो सिक्का कहाँ गिरेगा, आगे पीछे या वहीं पर? तो देखिए, अगर वेग समान है, ठीक है, चलने वाली वस्तु का अगर वेग समान है तो वह सिक्का हाथ में ही गिरेगा, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आप जितने वेग से किसी वाहन पर जा रहे हैं, ठीक है, जितना भी वेग से आप जा रहे हैं, तो उस सिक्का को जब आप उछालिएगा तो उस सिक्का में सेम वेग होगा, समान वेग होगा, तो समान वेग के कारण जितना वेग आपके गाड़ी का है उतना ही वेग उस सिक्के का होगा और वो आपके हाथ में गिरेगा। लेकिन मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, ठीक है, और सिक्का को उछाल दिए और आपने एकाएक ब्रेक लगाया, अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? सिक्का को जब उछाला था तो सिक्का में जो आपका वेग था वो तो वेग रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपका जो वेग हो गया वह कम हो गया, जिसके कारण वो सिक्का क्या होगा? आपके आगे गिरेगा, ठीक है। ये पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि यदि मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी वेग से जा रहे हैं, आपने सिक्का को उछाला, सिक्का को जैसे ही उछाला और आप क्या किया? अपने वेग को बढ़ा दिया। जैसे ही आप अपने वेग को बढ़ाएंगे तो आपका तो वेग बढ़ गया, लेकिन सिक्का का तो वेग वैसा ही के वैसा ही है, तो आपका वेग बढ़ जाने के कारण आप आगे चले जाइएगा और सिक्का नीचे की ओर गिर जाएगा, और यदि आपका वेग समान है तो वो सिक्का आपके हाथ में गिरेगा। तो यहाँ पर तीन सिचुएशन उत्पन्न हो रहे हैं।
ठीक है, तीन होगा तीनों याद रखिएगा। तो वही कह रहा है कि चलती वाहन के ऊपर सवार यात्री यदि सिक्का उछाला जाता है तो उसके हाथ में ही गिरता है, क्यों? क्योंकि गति का जड़त्व होता है। अगला देखते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की प्रवृत्ति बनाए रखता है, तो गति की प्रवृत्ति बनाए रखने को क्या बोलेंगे? गति का जड़त्व बोलेंगे। घूमती हुई साइकिल के पहिए में लगा कीचड़ स्पर्शीय रूप से बाहर उड़ता है, ठीक है, कीचड़ होगा यहाँ पर, लगा कीचड़ स्पर्शीय रूप से बाहर की ओर उड़ता है, क्यों? तो यह उड़ता है दिशा के जड़त्व के कारण, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप खड़े हैं यहाँ पर, खड़े होकर के आप क्या करते हैं, पत्थर लगा करके किसी रस्सी में और उसको चारों तरफ मूव कराते हैं। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर से पत्थर टूट गया, रस्सी टूट गया, तो यह पत्थर क्या जाएगा? ऐसे भागेगा। अगर यहाँ से टूट गया तो पत्थर ऐसे भागेगा, यहाँ से टूट गया तो पत्थर ऐसे भागेगा, यहाँ से टूट गया तो पत्थर ऐसे भागेगा। कहने का मतलब है कि वह जिस डायरेक्शन में टूटेगा वह उसी डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा, तो ये कहलाता है क्या? दिशा का जड़त्व, ठीक है। अगला है, जब पत्थर से रस्सी बांध कर चारों ओर घुमाया जाता है तो वह स्पर्शीय रूप से दूर भाग जाता है। मैंने तुरंत बताया किसके कारण? दिशा के जड़त्व के कारण। आगे, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा बनाए रखती है उसे क्या कहा जाता है? दिशा का जड़त्व कहा जाता है।